गुड मॉर्निंग सेवन क्लास, कैसे हो आप लोग? आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर टू पढ़ाया था। चैप्टर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आपको मैंने स्टार्ट करा था, जिसमें आपको बताया था प्रोसेस कैसे न्यूट्रिशन का, कैसे एनिमल्स में प्रोसेस होता है। जैसे इसके कितने स्टेप्स बताए थे मैंने, 5 स्टेप्स बताए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 स्टेप मैंने आपको बताए थे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम इनका ये तो कॉमनली हमने पढ़ लिया, अब हम पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं कि कैसे बॉडी के अंदर फूड जाता है, डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है और कैसे एलिमिनेट होता है। ओके, तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्स। तुम्हें पता ही है एनिमल्स किस में आते हैं, हीटरोट्रॉप्स में आते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में कौन होते हैं? प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रॉप्स में। और मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी दिया था बनाने के लिए आपको, जो आप लोगों ने किसी ने भी मुझे चेक नहीं कराया है, तो प्लीज़ उसको बना लीजिएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। दे इंजेक्ट सॉलिड और लिक्विड्स फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड डाइजेस्ट इन देयर बॉडीज़। एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये कोई भी सॉलिड या लिक्विड फूड को एनवायरनमेंट से लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो अपने फूड को लेती है। अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। इसमें सिर्फ कितनी सेल है? एक सेल ही है। ये एक सेल ही सारा वर्क करती है, इसमें कोई ऑर्गन वगैरह, टिश्यू वगैरह, ऑर्गन सिस्टम कुछ ही नहीं होता। सिर्फ इस एक सेल के थ्रू ही सारा वर्क होता है, इंजेक्ट होता है फूड, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और एलिमिनेट हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है अमीबा के अलावा, जैसा पैरामीशियम है ना, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर अमीबा एनगल्फ वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाई थ्रोइंग इट्स फॉल्स फीट नॉन एज सूडोपोडिया। तो आपने पहले भी 6th क्लास में शायद आया होगा आपके कि ये क्या होता है, अपने मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती, अमीबा भी की कोई शेप नहीं होती, ये अन शेप का होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स बाहर की तरफ आता है तो ये क्या बना लेता है, सूडोपोडिया बना लेता है। सूडोपोडिया मतलब अपने आभासी पैर बना लेता है, नकली पैर, और उसमें क्या करता है, फूड को ले लेता है ऐसे, ठीक है। दिस सूडोपोडिया फॉर्म ए फूड वैक्यूल, और ये सूडोपोडिया क्या बना लेती है, एक फूड वैक्यूल बना लेती है। द फूड इज डाइजेस्टेड बाई एंजाइम्स इन द वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल बन जाती है, उसमें क्या होता है फिर, फूड डाइजेस्ट हो जाता है एंजाइम के थ्रू, और जो यूज़फुल मटेरियल है वो तो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो थ्रो आउट कर दिया जाता है रेजिडुअल वैक्यूल्स के थ्रू, मतलब जो फूड है वो अंदर आ रहा है वैक्यूल के, वैक्यूल बन रही है फूड की, फिर एंजाइम्स उस पर वर्क कर रहे हैं, फिर वो डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है और फिर अनडाइजेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, तो सारे एक ही सेल में हो रहा है ये। ओके, अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस होता है, ह्यूमन बींग्स में ये थोड़ा टिपिकल टाइप का होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड डेट प्रोसेस फूड, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होती है सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आपने डायग्राम में देखा ही होगा, इसमें कई प्रकार के ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ग्लैंड्स होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू यूज़ द फूड वी ईट, आवर बॉडी हैज़ टू ब्रोकन डाउन द फूड इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट इट कैन एब्जॉर्ब, इट आल्सो हैज़ टू एक्सक्रीट वेस्ट। तो सबसे पहले क्या है, हम जो फूड लेते हैं वो क्या होता है, हमारी बॉडी में अंदर जाएगा, ब्रेक डाउन होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वेस्ट पार्ट एक्सक्रीट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन कैसी होती है, ये ट्यूब लाइक होती है, ठीक है। तो इसमें फूड आता है और इट मेक्स इट्स वे थ्रू द बॉडी और ये फिर आगे पहुँचता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज असेंशियली ए लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब द रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्विस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे एंड होती है, प्लस ए फ्यू अदर ऑर्गन्स, और इसके साथ साथ अलग ऑर्गन्स भी इसके साथ अटैच होते हैं, जैसे लीवर, पेनक्रियास, ठीक है, डेट प्रोडक्ट और स्टोर डाइजेस्टिव केमिकल्स। दो डाइजेस्टिव केमिकल्स सीक्रेट करते हैं जिससे हमारा फूड क्या होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अब है द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, सबसे फर्स्ट है द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस द माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है वह। द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिन फ्रॉम द माउथ,
फूड इज पार्शियली ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पीसेज बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड बाय द केमिकल एक्शन। फूड सबसे पहले क्या होगा, माउथ में आएगा, फिर उसे स्मॉल पीसेज में करा जाएगा केमिकल एक्शन के थ्रू और सलाइवरी एंजाइम्स के थ्रू। दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड एंड ब्रेक डाउन स्टार्च सलाइवरी ग्लैंड एंड ब्रेक डाउन स्टार्च इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और ये सलाइवरी एंजाइम्स तो हमारे सलाइवा में होते हैं, तो क्या करते हैं, ये स्टार्च को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फूड इज बीटन एंड च्यूड बाय द टीथ। और फूड को किससे चबाया जाता है, टीथ के द्वारा। च्यूइंग ब्रेक डाउन द फूड इंटू स्मॉल पीसेज एंड मिक्स इट विथ सलाइवा। उसको बारीक करके सलाइवा मिक्स करी जाती है लार। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस है ऑन द वे टू द स्टमक। अब स्टमक में आएगा फूड। आफ्टर बीइंग च्यून एंड स्वेलो द फूड एंटर द इसोफेगस। अब फूड कहाँ आएगा, इसोफेगस में, जो माउथ के थ्रू एक फूड पाइप, जिसे फूड पाइप बोलते हैं हम इसोफेगस को, उसमें एंटर करेगा। द इसोफेगस इज ए लॉन्ग ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। जो माउथ से लेकर कहाँ तक होती है, स्टमक तक होती है। इट यूजेस रिदमिक वेव लाइक मसल मूवमेंट टू फोर्स फूड फ्रॉम द थ्रॉट इनटू द स्टमक। इसमें क्या होता है, ये कोई डाइजेस्ट नहीं करती यहाँ पे फूड, केवल इसके अंदर जो मसल्स होती है उन्हें मस्कुलर मूवमेंट होता है रिदिमली, जिसके द्वारा फूड खिसक के कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है और हम किसी भी फूड को निगल पाते हैं। ठीक है, द मसल मूवमेंट गिव अस द एबिलिटी टू ईट टू ड्रिंक इवन एंड व्हेन वी अपसाइड डाउन। हमें इसके कारण ही हमको कोई भी चीज़ हम खा पाते हैं, पी पाते हैं। ठीक है, अब स्टमक में आ जाएगा फूड इन द स्टमक। ये स्टमक स्ट्रक्चर है एक जे शेप का, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। द स्टमक इज ए लार्ज सैक लाइक ऑर्गन दैट स्टोर्स द फूड फर्स्ट देन च्यूम द फूड एंड बाथ्स इट इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड गैस्ट्रिक एसिड। क्या होता है, यहाँ पे आके फूड क्या हो जाता है, थोड़ा स्टोर हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पे क्या अपन ने पढ़ा था पीछे कि 4 आवर तक यहाँ पर स्टोर रहता है और फिर उसको क्या करा जाता है, एकदम से मिक्स करा जाता है अच्छे से। जैसे हम जो मिक्सी होती है उसमें कोई भी चीज़ मिक्स होती है, मिक्सी चलाते हैं हम, जैसे इसमें भी अच्छे से फूड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक एसिड है वो उसके द्वारा सीक्रेट करा जाता है, जिससे अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है। फूड इन द स्टमक डेट इज़ पार्शियली डाइजेस्ट। यहाँ पे फूड का डाइजेशन नहीं होता, केवल पार्शियली थोड़ा सा ही डाइजेशन होता है। और इसमें स्टमक एसिड मिला दिए जाते हैं, गैस्ट्रिक एसिड है इसका, जो इसकी वॉल से सीक्रेट होता है। और ये एसिड का क्या नाम है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन हो जाता है, जिससे एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी इस गैस्ट्रिक एसिड के कारण ही होती है। नेक्स्ट है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। आफ्टर बीइंग इन द स्टमक फूड एंटर द ड्यूडोनम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड कहाँ आएगा, यहाँ से इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ ओपन हो रही है उसे ड्यूडोनम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा फिर नेक्स्ट, देन एंटर द जुजोनम एंड देन द इलियम द फाइनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पूरा फाइनली नीचे तक आ जाएगा, जिसे जुजोनम इलियम बोलते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल प्रोड्यूस इन द लीवर एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड आ जाता है तो इससे बाइल जूस सीक्रेट होते हैं। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर से, लेकिन स्टोर किस में रहता है, गॉल ब्लैडर में। जो लीवर था यहाँ पे, ये लीवर रेड कलर का हमने देखा था, यहाँ पे एक पोटली सी लटकी रहती है, इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जिसे पित्त की थैली बोलते हैं हम, है ना। तो इसमें स्टोर रहता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन द फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फिर ये क्या करते हैं, इसके अलावा पैनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट होता है पैनक्रियास से। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है उससे भी सीक्रेट होते हैं एंजाइम्स, जिससे फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पे फूड का अधिकांश पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है और जो डाइजेस्ट फूड है वो एब्जॉर्व हो जाता है। ठीक है, अब कहाँ आएगा फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्व फूड तो सारा एब्जॉर्व हो गया, और जो अनएब्जॉर्व फूड है, ठीक है, जो अनडाइजेस्ट फूड है वो कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इन द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन वेस्ट इज ऑब्जर्व। यहाँ पे डाइजेस्ट फूड तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्ट सॉलिड पार्ट है उसको कहाँ स्टोर कर लिया जाता है, रेक्टम में, और फिर उसको एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हुआ है। इसको आप अच्छे से पढ़ना, जो जो मैंने पेंसिल से अंडरलाइन करी है
अच्छे से लर्न कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के टाइप्स कितने होते हैं, उनका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ओके।